गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इतिन मोदी, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे मैं स्टूडेंट आपको पार्ट टू अकाउंट में लेसन नंबर 1 शेयर कैपिटल में पार्ट टू उसका मैं समझाऊंगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने शेयर कैपिटल जो था हमारा, उसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था और आपको कहा था कि इसके अंदर 1 मार्क का सम पूछते हैं, जिसके अंदर आपको जनरल एंट्री आना आवश्यक है। सबसे पहले स्टूडेंट, जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स कंपनी, तो कंपनी अपने शेयर्स एट पार या एट प्रीमियम से इश्यू कर सकती है। एट पार मतलब कि फेस वैल्यू पे इश्यू करना, शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीस, 10 रुपीस या 100 रुपीस होती है। एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट लेना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एट पार पे जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, देन सबसे पहले कंपनी क्या करती है, तो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है जिसमें पब्लिक को शेयर परचेस करने के लिए इन्विटेशन देती है और इसकी जनरल एंट्री में करनी होती है। कंपनी नॉर्मली शेयर्स की जो अमाउंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में कॉल्ड अप करती है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल। कभी कभार कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट भी करती है, ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइंड, तो डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। बट मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट करती है शेयर्स के, ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, देन जनरल एंट्री किस तरह से लिखी जाती है, तो वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कंपनी जो पैसे कॉल्ड अप करती है वो होता है एप्लीकेशन पे, दूसरा अलॉटमेंट पे, तीसरा फर्स्ट एंड चौथा फाइनल कॉल पे। अब हर एक की दो दो जनरल एंट्री होती है, अब ये किस तरह से होती है तो वो मैं आपको अभी यहाँ लिख के समझा रहा हूँ। जनरल एंट्री होती है किस तरह से होती है, अब मैं आपको यहाँ जनरल एंट्री लिख के समझाने जा रहा हूँ। जो भी एक्स वाई जेड कंपनी है, डेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ओके, यहां पर भी डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, रुपीस, कुछ
इस तरीके से। नाउ फी, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन। चेक कंपनी एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस में इश्यू करती है और पब्लिक जब एप्लीकेशन कंपनी को देती है तो एप्लीकेशन के साथ में पैसा देती है, तो उसका एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव दैट फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट ऑफ क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। फिर निरेशन लिखना होता है पेइंग रिसिप्ट ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन द सो एंड सो सेस एट रुपीज टू फॉर फी, जो भी एप्लीकेशन पे कहा गया वो। और फिर एक अंडरलाइन कर देनी है डी, निरेशन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो निरेशन आपको लिखना कंपलसरी है, और अगर क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन में लिख देते हैं निरेशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आपको निरेशन नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। नाउ नंबर टू, अब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है हम डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, देनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Now, अब बात करते हैं अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की भी दो एंट्री होती है। अब बच्चों इसको याद किससे से रखना है, तो जन एंट्री नंबर 1 एंड 2 एप्लीकेशन का था, 3 एंड 4 अलॉटमेंट का है, सिंपल सा लॉजिक है अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट मंडी कॉल्ड कंपनी जिसको शेयर्स अलॉट करती है तो उसको अलॉटमेंट लेटर सेंड करती है और अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप करती है। तो जनरेट क्या होता है कि यहाँ से ये जो एप्लीकेशन वर्ड निकल जाता है एंड अलॉटमेंट वर्ड्स आ जाता है, तो यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से। एंड नंबर 4, एक अलॉटमेंट लेटर सेंड करके आपने अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप किया, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होता है, मनी कम्स इन सो डेबिटेड, तो यहाँ जनरेटिव नंबर 1 है वहां पर बैंक की एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन वर्ड हटा दो एंड अलॉटमेंट वर्ड लिख दो, सो हमारा जनरेटिव नंबर 4 हो जाएगा। सर स्टूडेंट इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट पेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, इस तरह से बच्चों। नाउ अब एप्लीकेशन मनी कॉल्ड अप, सॉरी अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप, अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो ये दो एंट्री हो गई थर्ड एंड फोर्थ। नाउ अब बात चल रही है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की भी दो जो ना एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, हर एक के बीच में दो दो तीन तीन चार चार छः छः महीने का गेप रखती है, जिससे कंपनी को मनी का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे ऐसे कॉल्ड अप करती जाती है। सो बात चल रही है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के लिए क्या, फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड अप, तो हमारा जो थर्ड जनरल एंट्री था वहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड हटा दो एंड फर्स्ट कॉल वर्ड लिख दो, तो देखो हमारा फिफ्थ जन एंट्री इक्विटी शेयर
David to equity share capital account credit. इस तरह से होगा. एंड नंबर सिक्स, तो ये क्या था, एप्लीकेशन मनी कॉल्ड, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी कॉल्ड ना फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. मनी रिसीव एंड मनी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बैंक अकाउंट डेबिट होता है एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होता है. लेकिन आपको याद रखना हो, ये जो फोर्थ एंट्री था जिसमें सर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट था, तो अलॉटमेंट वर्ड हटा दीजिए, फर्स्ट कॉल वर्ड लिख दीजिए, तो आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा. तो यहाँ पर जर्नल एंट्री नंबर सिक्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट. तो ये हो गया फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड का चलन. नाउ स्टूडेंट, अब फर्स्ट कॉल के बाद हमें क्या करना होता है, फाइनल कॉल कॉल्ड अप करना है. जिस तरह से आपने अलॉटमेंट कॉल्ड अप किया, फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप किया, इसी तरह से फाइनल कॉल कॉल्ड अप करना है. तो कॉल्ड अप की एंट्री फर्स्ट कॉल की एंट्री के ऊपर से ही हम बनाएंगे. यहाँ जो है ये फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ से फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल हटा दो एंड फाइनल कॉल लिख दो, तो हो गया फाइनल कॉल का एंट्री. यानी कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, और जो हमारा अमाउंट, जैसे कि इसमें फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अमाउंट जो भी है, मीनिंग फाइनल कॉल मनी कॉल डेबिट, दो दो हर एक की, दो दो जनरल एंट्री होनी, एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो और फाइनल कॉल की भी दो, टोटल तीन जनरल एंट्रीज होती है ना. अब फाइनल कॉल मनी रिसीव, तो फाइनल कॉल मनी रिसीव के लिए क्या करना होगा, स्टेटमेंट नंबर सिक्स है, बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ से फर्स्ट कॉल हटा दो एंड फाइनल कॉल लिख दो, आपका चैनल एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगा फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन सो एंड सो सेल्स एट रुपीज टू या थ्री पर शेयर. तो यहाँ पर चैनल एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, कुछ इस तरीके से बैंक टू, मतलब फर्स्ट कॉल हट गया, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो है वो एक जनरल एंट्री से मैंने सिखा ये याद रखनी है, और इसी के मुताबिक हम आगे हमें आपको सम सिखाना है. तो जनरल एंट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके सम भी गिन सकोगे. ठीक है स्टूडेंट, वापस एक बार जनरल एंट्री सिखा देते हैं. फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, चार इंस्टॉलमेंट में कॉल अप करना है, हर एक की दो दो जनरल एंट्रीज होती है बच्चों. पहला जनरल एंट्री होता है बैंक टू इक्विशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, दो जन एंट्री हो गई. अब अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन पर हटा दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. नाउ अब फर्स्ट कॉल के लिए यहाँ से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, एक बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, और फिर लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल करना होता है जो सेम होता है.
से होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का हमारा पार्ट टू खत्म हो रहा है। नेक्स्ट में पार्ट थ्री में इससे रिलेटेड सम जुड़ते हैं, वो सम आपको सिखाऊंगा। अमाउंट किस तरह से बनानी, किस तरह से, वो आपको सिखाऊंगा। तो ओके, नेक्स्ट में आपको सब पार्ट थ्री में मिलते हैं।